हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं के एक दूसरे पर विवादित बयान सामने आने लगे हैं। बुधवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया है, जिसमें वह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिप्पणी कर रहे हैं। चौटाला ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की टिकट के लाले भी पड़ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट पाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की धोती उठानी पड़ेगी, राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ना पड़ेगा और प्रियंका गांधी की चुनरी और केसी वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी, तब जाकर हुड्डा को टिकट मिल पाएगा। चौटाला ने ये बयान फतेहाबाद की एक सभा में दिया था। वह जाट धर्मशाला में जेजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे। वहीं इस बयान पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जिन लोगों का हरियाणा में अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो हमारी क्या बात करेंगे। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखा देगी, प्रदेश में ये पार्टी खत्म हो चुकी है। अजय चौटाला ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते फिर रहे हैं कि वह 70 सीटें जीतेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि क्या प्रदेश आपके नाम है? यहां प्रजातंत्र है, किसी राजा का राज नहीं है जिसमें जिसे चाहो कुर्सी पे बैठा दो।